रोजाना देश भर में लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। इंडिया में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 1,15,000 किलोमीटर के करीब है। अक्सर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे तो तीन रंग के ट्रेन को आप देखे होंगे, ब्लू, लाल और हरे रंग के। पर क्या आपको पता है कि ट्रेन के डिब्बे का कलर अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी तरह के फैक्ट वाले वीडियो आप मिस ना करें। मैक्सिमम टाइम आपको ब्लू कलर के डिब्बे दिखते होंगे जो ये दर्शाते हैं कि ये ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोच के हैं, जिसका उपयोग इंडिया में अक्सर मेनलाइन ट्रेन में किया जाता है। ये मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन में लगाए जाते हैं। इसका डिब्बा आयरन यानी कि लोहे के बने होते हैं और ये एयर ब्रेक से लैस होते हैं। इन ट्रेन का स्पीड 70 से 140 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। अब इंडिया में ICF कोच को हटाकर LHB कोच में बदला जाएगा। तो फिर ये LHB कोच क्या होता है? ये जो आप रेड यानी कि लाल रंग के ट्रेन देखते हैं वही LHB यानी कि लिंक होपमैन बुश नाम से जाना जाता है। ये कोच 2000 ईस्वी में जर्मनी से लाया गया था। पहले ये कोच लिंक होपमैन बुश कंपनी में बनाया जाता था, अब पंजाब के कपूरथला में भी बनते हैं। इसका डिब्बा स्टील का बना होता है और अंदर वाला भाग अल्मीनियम का बना होता है। ये लोहे से हल्के भी होते हैं। इस ट्रेन का स्पीड 160 से 200 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, इसीलिए यह राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन में उपयोग किया जाता है। और ये जो आप हरे रंग के ट्रेन के डिब्बे देखते हैं ये अक्सर गरीब रथ जैसे ट्रेन में उपयोग किए जाते हैं, जो इंडिया में धीरे धीरे बंद किया जा रहा है।